क्या टॉपिक चल रहा था बच्चों? हाँ, ऑर्बिटल मोशन हो गया था ना, क्या लास्ट मैंने कुछ लिखाया था? हाँ, ऑर्बिटल वेलोसिटी आ गया था हमारे पास। तो बेटे कल के दिन में हम लोगों ने दो चीजें बात की थी, एक एस्केप वेलोसिटी और फिर हमने बात किया था ऑर्बिटल वेलोसिटी। ठीक है, इन दो चीजों की बातें हमने कल की थी। ठीक है, एस्केप वेलोसिटी और ऑर्बिटल वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी क्या था बच्चों? क्या था एस्केप? वो स्पीड जिसकी रिक्वायरमेंट होगी अगर मैं किसी चीज को क्या करना चाहता हूँ, ग्रेविटी के पार करना चाहता हूँ, फील्ड को पार करना चाहता हूँ। तो अरे बात समझ में, उसके लिए क्या आया था बेटा हमारे पास? बोलो, VE बराबर क्या फॉर्मूला था? अंडर रूट 2gm बाय r। ये कब था बेटा? जब हम अर्थ सरफेस पर होंगे, फ्रॉम सरफेस। अगर हाइट से लेंगे तो बेटा क्या हो जाएगा ये? तब फिर क्या होगा? अंडर रूट 2gm बाय r की जगह क्या आएगा? r प्लस h आएगा, है ना? फ्रॉम हाइट, फ्रॉम हाइट। अंडरस्टूड ना? है ना? और अगर सरफेस पे है तो r और r, है ना, क्या हो जाएगा बेटा? ये g हो जाएगा, तो अंडर रूट 2rg, है ना, ऐसा हो जाएगा। अच्छे से समझा? उसी तरीके से ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या था? वेलोसिटी विथ विच अ सैटेलाइट रिवॉल्व अराउंड द प्लैनेट इन इट्स ऑर्बिट। ठीक है, अपनी ऑर्बिट में वो जिस वेलोसिटी के साथ रोटेट होता है, रिवॉल्व होता है, उसको ऑर्बिटल वेलोसिटी कहते हैं। और वो आया था कितना हमारे पास? VO बराबर अंडर रूट GM बाय R। कब? जब वो क्लोज टू अर्थ था, है ना, क्लोज टू अर्थ, क्लोज टू सरफेस, है ना। और अगर क्लोज टू सरफेस नहीं रहा, है ना, तो फिर क्या होगा बेटा? अंडर रूट GM बाय R प्लस H। अंडरस्टूड ना? है ना, एट हाइट। अच्छे से समझा? अब ये तो बात सही है भाई, एकदम से पास में तो उड़ नहीं सकता, है ना, अच्छी खासी हाइट होगी, लेकिन एज कंपेयर टू रेडियस ऑफ अर्थ अगर वो कम है तो हम इसको ले सकते हैं, है ना। और अगर एज कंपेयर टू रेडियस ऑफ अर्थ इसकी हाइट अच्छी खासी है तो वी कैन नॉट इग्नोर इट, है ना, तो इन दैट कंडीशन हमें लेना पड़ेगा। आई की नहीं बात समझ में? ठीक है, तो बेटा इसको अगर हम करें तो क्या हो जाएगा? ऊपर नीचे आर से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो ये जी एम बाई आर स्क्वायर हो जाएगा बेटा। अगेन क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट आर जी हो जाएगा, है ना बेटा। तो क्या कुछ रिलेशन दिख रहा है इन दोनों के बीच में? एक कितना है बेटा? स्क्वायर रूट टू आर जी है, और दूसरा कितना है? स्क्वायर रूट आर जी है। आ रही ना बात समझ में? तो क्या दिख रहा है बेटा? इसका वो कितना टाइम्स है? रूट टू टाइम्स है। हेडिंग डालना बेटे, हेडिंग डालना, रिलेशन बिटवीन एस्केप वेलोसिटी एंड ऑर्बिटल वेलोसिटी। रिलेशन बिटवीन एस्केप वेलोसिटी एंड ऑर्बिटल वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी एंड ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो क्या हो गया बेटा? VE बराबर VE बाय VO बराबर क्या हुआ बेटा? इसका क्या था? रूट टू आर जी, और इसका क्या है? रूट टू आर जी। ये खत्म हुआ बेटा, तो रूट टू टाइम्स। तो VE और VO का जो रेशियो होता है वो रूट टू टाइम्स होता है। तो देयरफॉर VE बराबर क्या हो जाएगा बेटा? रूट टू टाइम्स VO, यानी एस्केप स्पीड जो है वो ऑर्बिटल स्पीड से रूट टू टाइम्स ज्यादा होता है। नहीं, इसका क्या मतलब हुआ बेटा? कि हमने जो सैटेलाइट को छोड़ रखा है वो घूम रहा है, उसके पास स्पीड भी है, बट वो हमारे अर्थ सरफेस को छोड़ के, मतलब अर्थ के ग्रेविटी को छोड़ के नहीं जा सकता, वो लगातार चक्कर लगाता ही रहता है। क्यों? क्योंकि अभी तक इसको एस्केप स्पीड नहीं मिला है, इससे ज्यादा होगा तब हमारे ग्रेविटी को छोड़ के जाएगा, है ना। हमने क्या दिया है उसको? एस्केप से कम दिया। एस्केप से ज्यादा देंगे तो फिर तो घूमने का बात ही खत्म हो गया, तो पार ही कर जाएगा, है ना, वो फिर नहीं घूमेगा। आ रही क्या बात समझ में? क्लियर है? नोट कर डाला यहां तक। डन।
गिव द नेक्स्ट हेडिंग लॉन्चिंग ऑफ सैटेलाइट. लॉन्चिंग ऑफ सैटेलाइट. लॉन्चिंग ऑफ सैटेलाइट. लॉन्चिंग ऑफ सैटेलाइट. तो मान लो बेटे ये हमारा अर्थ है, ठीक है, ये हमारा अर्थ है, ये अर्थ का सेंटर है और अर्थ सरफेस से कुछ ऊंचाई पर जाकर के हमने अपने सैटेलाइट को क्या किया, उड़ाया, ठीक है, और इसको स्पीड दिया कितना, v, है ना, इसको स्पीड दिया कितना, v दिया. अरे क्या इतनी बात समझ में. अब मैं v तो कितना भी दे सकता हूँ, है ना, v मैं कितना भी दे सकता हूँ, स्पीड मैं कितनी भी दे सकता हूँ, क्या क्या कर सकता हूँ सोचना ध्यान से. पहला केस, इफ v इक्वल टू जीरो, अगर v जीरो हुआ तो क्या होगा, v अगर जीरो हुआ तो क्या होगा, बोलो बच्चे क्या हो गया हाथ को, है कि मैचिंग मैचिंग की है ये ऊपर हाथ, है गिर गई थी, अच्छा दवाई लगाई ठीक हो जाएगा ना, लिखती कौन से हाथ से, अरे बाप, चलो इसी बहाने दूसरा हाथ भी काम आ जाएगा. चलो क्या बोल रहा था मैं, बोलो क्या होगा बेटा, v जीरो है तो किधर जाएगा, ये v जीरो है किधर जाएगा, क्या करते गिर जाएगा ना वो तो, रेस्ट जीरो मतलब ड्रॉप किया, नहीं समझा, जीरो मतलब ड्रॉप किया, फ्री फॉल करेगा, नहीं समझा, अरे बात समझ में आई कि नहीं, फ्री फॉल करेगा भाई तो ये सीधा क्या हो जाएगा, ऐसे गिर जाएगा, ठीक है बेटा. तो अगर v जीरो है तो इट विल परफॉर्म फ्री फ्री फॉल तो हमेशा ही करेगा. फ्री फॉल मतलब क्या था कि ग्रेविटी सिर्फ काम करे, तो हर हमेशा ग्रेविटी ही काम करे, लेकिन अभी जो इसका पाथ होगा वो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, है ना, या सरफेस ऑफ द अर्थ, अर्थ की ओर गिरने लगेगा, नहीं समझा, समझा कि नहीं, ठीक है. तो इफ v इक्वल टू जीरो इट विल मूव वर्टिकली डाउनवर्ड टुवर्ड्स सरफेस ऑफ अर्थ. सरफेस ऑफ अर्थ, नहीं ना समझा बेटा, बोलो क्लियर है मेरी बात. तो अभी क्या होगा, ये ऐसा गिर जाएगा, है ना, यहां तक आ जाएगा, अच्छे से समझा. सेकेंड चीज क्या कर सकते हैं, सेकेंड चीज, इस बार v दिया मैंने, बट वो v जो है ना ऑर्बिटल से कम है, क्या है, इफ v इज लेस देन वी ओ, देन वॉट, v इज लेस देन वी ओ, क्या करेगा बेटा बताओ, अब की बताओ क्या होगा, कहां पे गिरेगा, कहां, अर्थ पे गिरेगा, वेरी गुड, शाबाश, ठीक है. तो बेटा ऑर्बिटल नहीं मिला है, ऑर्बिटल से कम है ना, ऑर्बिटल मिलता तो वो घूमता, ऑर्बिटल का मतलब क्या है, घूमना, तो वो ऐसे घूमने लगता, लेकिन अभी ऑर्बिटल से कम है तो घूम नहीं सकता, नहीं समझ रहे हो, तो घूम नहीं सकता तो ये क्या करेगा बेटा, है ना, तो भाई प्रोजेक्टाइल करेगा, जैसे प्रोजेक्टाइल करता था, क्या करता था प्रोजेक्टाइल, है ना, तो ये ऐसे जा करके ऐसे 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 कहीं ऐसा गिर जाएगा अर्थ पे, लेकिन वापस आएगा, अर्थ पे वापस आएगा, ठीक है. तो क्या होगा बेटा ये, है ना, प्रोजेक्टाइल करते हुए पैराबोलिक पाथ लेते हुए वो ग्राउंड पे आके गिर जाएगा, समझ गए कि नहीं, अच्छे से समझा. तो इफ v इज लेस देन v नॉट इट विल टेक अ पैराबोलिक पाथ एंड फॉल ऑन टू अर्थ सरफेस, नहीं ना समझा, बोलो भाई समझा कि नहीं समझा. तीसरा कंडीशन क्या हो जाए,
अगर मैंने वी मतलब उसको जो स्पीड दी वो इक्वल टू ऑर्बिटल स्पीड दी, ठीक है बेटे, इक्वल टू ऑर्बिटल स्पीड दी, तो इस बार क्या करेगा, क्या करेगा ये, इस बार जो है ना वो सर्कुलर पाथ में घूमने लगेगा, क्या करने लगेगा, सर्कुलर पाथ में, सर्कुलर ऑर्बिट में घूमने लगेगा, नहीं समझा, ठीक है, क्योंकि ये कौन सी स्पीड है, घूमने वाली स्पीड है, ऑर्बिटल स्पीड मतलब ऑर्बिट में घूमना, समझा, क्लियर है मेरी बात, तो इट विल रिवॉल्व अराउंड द प्लैनेट, ठीक है, इन अ सर्कुलर ऑर्बिट समझा, इन अ सर्कुलर ऑर्बिट, तीन केस हो गए बेटा, चौथा क्या हो सकता है, ऑर्बिटल से ज्यादा हो बट एस्केप से कम हो, है ना, ऑर्बिटल से ज्यादा हो और एस्केप से कम हो, फिर क्या होगा, इफ वी इज सॉरी वी इज ग्रेटर देन वी ओ एंड लेस देन वी ई, है ना, तो वी से लेस है तो बाहर नहीं जा सकता, और वी ओ से ज्यादा है तो सर्कुलर पाथ नहीं ले सकता, वी ओ के बराबर होता तो सर्कुलर पाथ लेता, है ना, तो ऐसे सिचुएशन में ये क्या करता है, इलिप्टिकल पाथ लेता है, क्या करता है, इलिप्टिकल, घूमेगा अभी भी लेकिन इलिप्टिकल पाथ लेकर के, आई क्या बात समझ में, हाँ तो बताओ क्या होना चाहिए, मतलब दूसरा और कौन सा ऑप्शन है, ग्रेविटी के कारण क्या बोलते हैं, इसके पहले जो हमने केप्लर्स प्लानिटरी लॉ ऑफ मोशन पढ़ा, ठीक है, केप्लर्स प्लानिटरी लॉ ऑफ मोशन पढ़ा, तो उसमें क्या देखा हमने कि एक परपेंडिकुलर फोर्स हमेशा लगता रहता है, परपेंडिकुलर फोर्स क्या करता है बेटा, आपको हमेशा सर्कुलर मोशन कराता है कि नहीं, जब भी आपके ऊपर परपेंडिकुलर फोर्स लगेगा वहां पर आपके पास क्या होगा, सर्कुलर मोशन करना पड़ेगा, ठीक है, तो यहां पर कौन सा फोर्स लग रहा है इसके बीच में, अभी ग्रेविटी के पार नहीं गया है ना, तो उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स ही लगेगा ना, ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा किधर लगता है बेटा, इधर, मोशन का डायरेक्शन किधर है, इधर, परपेंडिकुलर होगा, तो ये क्या करेगा बेटा, सर्कुलर मोशन करेगा, आप बोलोगे कि सर्कुलर तो फिर सर्कुलर पाथ होना चाहिए ना, इलिप्स क्यों, है ना, बात समझ में आ रही, तो फिर आपको पता है बेटा कि जब ये प्लैनेट के पास में होता है, मतलब सन के पास होता था तो स्पीड अलग होती थी, सन से दूर जाता था तो स्पीड अलग होती थी, है ना, तो पाथ को क्या होना पड़ेगा, इलिप्टिकल, कभी स्पीड कम होगी तो, है ना, बात समझ में आ रही है मेरी, ठीक है, तो ये पाथ एक जैसा नहीं रह सकता क्योंकि उसको एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करना है ना, तो इक्वल एरिया स्वाइप करना है, केप्लर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन को फॉलो करना है, तो वो क्या करता है बेटा, इलिप्टिकल पाथ लेता है, समझा क्या, क्लियर है मेरी बात, तो इफ वी नॉट वी इज ग्रेटर देन वी ओ एंड लेस देन वी, तो वो क्या करेगा, इट विल रिवॉल्व अराउंड द प्लैनेट इन इलिप्टिकल ऑर्बिट विथ प्लैनेट एट वन फोकी, है ना, एक फोकी पर क्या रहेगा, प्लैनेट रहेगा, इलिप्स में दो फोकी होते हैं, एक फोकी पर क्या रहेगा, प्लैनेट रहेगा, समझ गए क्या, अच्छे से समझा, पांचवा क्या हो सकता है बेटा, पांचवा केस क्या हो सकता है, जल्दी बोलो, इफ वी इज ग्रेटर देन एस्केप स्पीड, तो फिर क्या होगा, तो ये भाग जाएगा, है ना, ये यहां से ऐसा करते हुए भाग जाएगा, ठीक है, पैराबोलिक पाथ लेते हुए इट विल एस्केप फ्रॉम द ग्रेविटेशनल फील्ड, ठीक है, it will escape out from our
ग्रेविटेशनल फील्ड, समझ गए बेटा? तो अलग अलग केसेस देगा तो उसके हिसाब से आपको रिप्लाई करना है, अंडरस्टूड? ठीक है, आगे बढ़ूं। गिव द नेक्स्ट हेडिंग, गिव द नेक्स्ट हेडिंग, टाइम पीरियड ऑफ, टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट, टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट। टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट तो मान लो बेटे, टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट, मान लो कि ये हमारा प्लैनेट है और यहाँ से ये इसका रेडियस हो गया और यहाँ से एच हाइट पर है ना एक ऑर्बिट है, उस ऑर्बिट में क्या हो रहा है आपका सैटेलाइट घूम रहा है, चलेगा? तो बेटा यहाँ से दूरी कितनी हो गई इसकी, बोलो, R मान लिया तो R प्लस H हो जाएगा। कुछ दिक्कत है यहाँ तक? अच्छे से समझा? तो ये घूमने वाली स्पीड कितनी होगी बेटा, VO, कौन जानता है VO कितना होता है, जल्दी बोलो बेटा, स्क्वायर रूट जी कैपिटल M अपॉन R प्लस H हो जाएगा इतना। अच्छे से समझा? या फिर मैं इसको क्या लिख सकता हूँ बेटा, स्क्वायर रूट जी एम बाय स्मॉल आर। आगे बात समझ में क्लियर है? ये हो गया हमारा ऑर्बिटल स्पीड। अब मुझे ये बताओ बेटा, टाइम पीरियड कैसे निकलेगा, टाइम पीरियड होता क्या है, व्हाट इज टाइम पीरियड, टाइम टू कंप्लीट वन साइकिल। तो बेटा टाइम कैसे निकालते हो, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो एक चक्कर लगाने में कितना डिस्टेंस चलेगा बेटा, 2 बाय आर, तो 2 बाय आर है ना, और स्पीड कितना है देखो ऑर्बिटल, नहीं समझ आ रहा है ना, तो क्या हो गया देखो, तो 2 पाई आर बाय वी नॉट देखो कितना है बेटा, स्क्वायर रूट जी एम बाय आर। क्लियर है मेरी बात? तो ये देखो क्या हो जाएगा बेटा, टी बराबर 2 पाई, इसको ऊपर ले जाऊंगा तो बेटा क्या हो जाएगा, आर इंटू आर बाय जी एम, इस आर को अंदर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर इंटू आर क्या हो जाएगा बेटा, आर क्यूब, तो 2 पाई स्क्वायर रूट आर क्यूब बाय जी एम है ना, टी बराबर 2 पाई स्क्वायर रूट आर क्यूब बाय जी एम। अच्छे से समझा? अगर दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दोगे तो ये टी स्क्वायर हो जाएगा और ये आर क्यूब बाहर आ जाएगा, बाकी सारी चीजें कॉन्स्टेंट, थर्ड लॉ ऑफ के प्लस प्लानिटरी लॉ ऑफ मोशन है ना, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, समझा कि नहीं? ठीक है, तो यहां से आप क्या कर सकते हो बेटा, टाइम पीरियड भी कंपेयर कर सकते हो है ना, फ्रॉम हियर है ना, हम क्या कह सकते हैं कि टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब है ना, कह सकते हैं ना बेटा, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। इसको मैं और क्या लिख सकता हूँ बेटा, इसको मैं और क्या लिख सकता हूँ, 2 पाई स्क्वायर रूट आर को क्या लिख सकता हूँ बेटा, आर प्लस एच का होल क्यूब अपॉन कैपिटल जी कैपिटल एम, समझा कि नहीं, है ना? तो इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, किसी भी सैटेलाइट का टाइम पीरियड निकाल सकते हैं, अंडरस्टूड? आगे बढ़ूं, आज है फ्राइडे है ना, आज संपला, कल डाउट, परसों टेस्ट। आगे बढ़ जाऊं, नेक्स्ट हेडिंग, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सैटेलाइट
बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। बोलो बेटे, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। तो बेटा ये मान लो हमारा प्लैनेट और इसके अराउंड ये हमारा क्या हो रहा है, सैटेलाइट घूम रहा है। ठीक है, सैटेलाइट घूम रहा है, इसका मास कैपिटल एम, इसका मास स्मॉल एम, इसके बीच की दूरी स्मॉल आर, चलेगा ना। तो बताओ इसके पास कौन कौन सी एनर्जी होगी बेटा, पहले ही कर चुके थे, कल किए थे हम लोगों ने, कौन कौन सी एनर्जी होगी। काइनेटिक एनर्जी कितना बेटा, याद करो आया था, हाँ जी, कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन टू आर, यही आया था क्या, है आया था कि नहीं, जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय टू आर, ये आया था काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कितना आया था बेटा, माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर, है ना। और टोटल एनर्जी कितना आया था, माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन टू आर आया था। बोलो, तो ये तीन प्रकार की एनर्जी इसके पास भी होगा, क्यों, क्योंकि जैसा अर्थ सन के अराउंड करता है वैसा ही सैटेलाइट प्लैनेट के अराउंड करता है, तो जैसा एनर्जी का एक्सप्रेशन उसका था वैसा ही इसके पास भी है। इनके इनके बीच में जैसे रिलेशंस हमने कल पढ़े थे वो रिलेशंस यहाँ भी फॉलो होंगे। क्या रिलेशंस था बेटा, काइनेटिक एनर्जी क्या था, माइनस ऑफ टोटल एनर्जी के बराबर था, और पोटेंशियल एनर्जी क्या था, हाफ टाइम ऑफ टोटल एनर्जी था, था कि नहीं। वो सारी चीजें यहाँ भी लागू होंगी, कुछ दिक्कत है। अब देखो बेटा, टोटल एनर्जी इसके पास क्या है, माइनस है। मैंने क्या बोला था बेटा, ये माइनस एनर्जी क्या शो करता है कि वो उसके बाउंडेड है, उसको छोड़ के नहीं जा सकता, है कि नहीं बेटे। ठीक है, तो ये उसके बाउंडेड होने का मतलब आप ऐसा समझ लो कि इसने इसके पास इतना नेगेटिव है, मतलब इसने इसके इससे क्या कर रखा है, कर्ज ले रखा है, वो जब तक कर्जा चुकाएगा नहीं वो इसको छोड़ के जा नहीं सकता। ठीक है, तो अगर इसको कर्जा चुकवाना है तो क्या करना पड़ेगा, इतना अमाउंट देना पड़ेगा इसको, नहीं समझा। अगर मैं इसके बदले इतना पैसा इसको दे दूं, है ना, इतना इसका जो भी कर्जा था कितना था भाई, जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई टू आर, है ना, उतना मैं अगर दे दूं तो फिर ये क्या हो जाएगा, नील हो जाएगा, कर्जा खत्म, नील हो गए, जीरो हो गए। अब हम क्या हो गए भाई, इंडिपेंडेंट हो गए। हम अगर इंडिपेंडेंट हो गए तो अब हमें उसकी गुलामी करने की जरूरत नहीं है, हमें उसके चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। हम किसी के चक्कर क्यों लगाते हैं भाई, क्योंकि हमें कुछ फायदा होता है, हमने उसका कुछ ले रखा है, है ना, हमने उसका कर्जा खा रखा है, तो हमें चापलूसी करनी पड़ती है, हमें उसके चारों तरफ घूमना पड़ता है। आ रही कि नहीं बात समझ में। तो अब एक बार इसने अपनी कर्ज को चुका दिया, ऑल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th ए बी आर हियर टू बी इन्फॉर्म दैट मेजर टेस्ट हैज बीन शेड्यूल्ड ऑन संडे 13th दिसंबर 9 से 12 बजे आप लोगों के टेस्ट होंगे। ओके, इलेवेंथ बी वन बी टू, इधर भी है इधर भी, दोनों मिला कर एक क्वेश्चन, दोनों में कर देता हूँ। ठीक नहीं है, समझा ना। ओके, तो व्हाट आई वाज सेइंग, क्या बोल रहा था मैं, हाँ, तो एक बार इसने ये कर दिया तो अब इसको इसके चक्कर लगाने की जरूरत नहीं। ये क्या हो गया बेटा, फ्री हो गया, इतना फ्री हो गया कि वो उसके ग्रेविटी को ही छोड़ देगा, नहीं समझा, तो उसके फील्ड ग्रेविटेशनल फील्ड को पार कर जाएगा, एस्केप कर जाएगा, समझा क्या। तो बेटे किसी सैटेलाइट को उसके बंधन से आजाद कराने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए दैट इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, नहीं समझा, समझा कितनी बाइंडिंग, कितनी एनर्जी चाहिए बेटा इसको, अगर मैं इतना दे दूंगा तो वो उड़ जाएगा, समझ गए क्या। ठीक है, लिखो डेफिनेशन, लिखो द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, हाँ ठीक है, जब मैं इतनी एनर्जी दे दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, इससे बहुत दूर चला जाएगा, मतलब इसकी ग्रेविटी को पार कर जाएगा। ग्रेविटी को पार कहाँ करता है बेटा, एट इनफाइनाइट सेपरेशन, है ना। तो अल्टीमेटली मैं ये कह सकता हूँ कि एक सैटेलाइट को उसके प्लैनेट से इनफाइनाइट सेपरेशन पे ले जाने के लिए जितनी एनर्जी देनी पड़ेगी दैट इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी, समझा ना। ठीक, लिखिए
the amount of energy required to take a satellite at infinite separation from its planet is called binding energy. So what will be the formula of binding energy, beta? Binding energy is G capital M small m by 2R. Understood? G capital M small m by 2R. आगे बढ़ूं। नेक्स्ट हेडिंग, टाइप ऑफ सैटेलाइट। पहले भी पढ़े थे क्या टाइप ऑफ सैटेलाइट? तो भैया एक चीज को बांटने के कई तरीके हो सकते हैं। इंसानों को मैं कई तरीके से बांट सकता हूँ, जेंडर के बेसिस पे लड़का लड़की, है ना, उम्र के बेसिस पे बच्चा, है ना, जवान बूढ़ा, है ना, क्लियर है, कंट्री के बेसिस पे ऐसा, इंडियन पाकिस्तानी ऐसा। तो एक ही चीज को अपन कई तरीके से बांट सकते हैं। तो वो क्या था, बनाने की, मतलब नेचुरली मिलता है या आर्टिफिशियली बनाया, उसके बेसिस पे था, ठीक है। घूमता कैसे है, यूज कैसे है, इसके बेसिस पर भी हम इसको बांट सकते हैं, ठीक है। आ रही बात समझ में? तो चलो हेडिंग डालना बेटा, टाइप ऑफ सैटेलाइट ऑन द बेसिस ऑफ इट्स ऑर्बिट। तो दो टाइप के होते हैं, एक को कहते हैं बेटा जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, ठीक है। पहले इसके बारे में पढ़ेंगे, फिर अगला पढ़ेंगे, वो होता है पोलर सैटेलाइट, ठीक है। तो दो टाइप के सैटेलाइट, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट एंड पोलर सैटेलाइट, ठीक है बच्चे। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट एंड पोलर सैटेलाइट। व्हाट इज जियो स्टेशनरी सैटेलाइट? अगर इसके नाम का मीनिंग मैं पूछूं, जियो मतलब और स्टेशनरी मतलब रेस्ट, समझ गए? तो ऐसा सैटेलाइट जो अर्थ से, जियो मतलब अर्थ, है ना, रिलायंस वाला जियो नहीं, वो जे आई ओ होता है, ये जीईओ है ना, दोनों अलग है, ठीक है। तो ऐसा सैटेलाइट जो अर्थ से देखने पर स्टेशनरी अपीयर होता है, नहीं समझा? ऐसे सैटेलाइट जो अर्थ के इक्वेटर पर से देखोगे तो वो स्टेशनरी नजर आएगा, रेस्ट में नजर आएगा, ऐसे सैटेलाइट को क्या कहते हैं, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहते हैं। ऐसा कैसे सर, अर्थ तो घूमता है, सैटेलाइट भी घूमता है, फिर कैसे रेस्ट में दिखेगा हमको? हाँ, तो कोई अगर चीज जो है आपके साथ सेम स्पीड से भागे तो फिर वो आपको कैसे नजर आता है, रेस्ट में ही नजर आता है ना। तो वैसा ही यहां भी खेल है कि जैसा स्पीड से हमारा अर्थ घूमता है वैसी स्पीड से हमारा प्लैनेट सैटेलाइट भी घूम रहा है ऐसे। तो यहां से ये सारी बात समझ में, ये क्या नजर आएगा भाई, इसको रेस्ट में नजर आएगा, क्योंकि ये जितना घूम रहा है वो भी घूम रहा है, ये भी घूम रहा है, ये भी घूम रहा है। तो ऑलवेज इट विल अपीयर स्टेशनरी टू यू, है ना, एट रेस्ट टू यू। अंडरस्टूड? क्लियर है मेरी बात? ठीक है, डेफिनेशन लिखिए। दोज सैटेलाइट्स विच अपीयर एट रेस्ट which appears at rest from the equatorial plane of the earth is called
क्या लिखा क्या लिखा अपियर, हाँ ठीक है, अर्थ इज कॉल्ड जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। इसको एक और नाम से जानते बेटा, जियो सिंक्रोनस। क्या? जियो सिंक्रोनस। सिंक्रोनस मतलब क्या होता है बेटा? सिंक्रोनाइज्ड मतलब क्या होता है? जब कोई दो चीज एक साथ बहुत तालमेल के साथ होता है तो उसको क्या बोलते हैं? ये बहुत सिंक्रोनाइज्ड डांस होता है, एकदम सबके ताल ताल में ताल मिल रहे होते हैं, तो क्या कहते हैं? वाह क्या सिंक्रोनाइज्ड डांस था, ऐसा बोलते हैं कि नहीं, है ना? जब हम परेड करते हैं तो परेड में लोगों के जो ताल होते मतलब कदम ताल होते हैं वो एकदम परफेक्टली मैच कर रहा होता है, तो वो सिंक्रोनाइज्ड कहलाता है। तो यहाँ भी क्या हो रहा है, एकदम क्या बोलते हैं, कदम से कदम मिला करके घूम रहे होते हैं, इसलिए सिंक्रोनाइज्ड। ठीक है, तो जियो सिंक्रोनस भी कह सकते हैं, ठीक है, है ना? और जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट। आगे बात समझ में? चलो, तो भैया ऐसा होने के लिए क्या जरूरी है कि जिस स्पीड से हमारा अर्थ घूम रहा है उसी स्पीड से क्या होना चाहिए, सैटेलाइट को भी घूमना चाहिए, यानी दोनों का ओमेगा, क्या दोनों का ओमेगा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ओमेगा यानी एंगुलर स्पीड, ओमेगा यानी एंगुलर स्पीड। ठीक है, तो स्टार मार्क लगाओ, स्टार मार्क, स्टार मार्क लगाओ। एंगुलर स्पीड या एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट, एंगुलर स्पीड या एंगुलर वेलोसिटी ऑफ जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट शुड बी सेम एज, शुड बी सेम एज ऑफ अर्थ, सेम एज ऑफ अर्थ। जैसा अर्थ का ओमेगा है वैसा ही इसका भी होना चाहिए। समझ गए क्या इतनी बात? अब मुझे एक बात बताओ बेटा, टाइम पीरियड और ओमेगा में क्या रिलेशन होता है? टाइम पीरियड और ओमेगा में क्या रिलेशन होता है? टाइम पीरियड बराबर 2π बाय, बोलो ना, टाइम पीरियड बराबर 2π बाय, अरे बोलो, आरजी, अरे जल्दी बोलो, टाइम पीरियड, अभी तक एक भी दिन नहीं मारा हो ना तुम लोगों को, अभी तक स्वाद नहीं चखे हो ना, क्या उद्घाटन करूं क्या? है टाइम पीरियड और ओमेगा में रिलेशन पूछ रहा हूं, तो आर और जी कहां से घुसेट रही है, है? स्वाद चाहिए? मैं पूछना शुरू करता हूं तो फिर शुरू से लेकर लास्ट तक पूछता हूं, और हर गलती पे दो दो, सोच लो, ईमानदारी से बता रहे हो कि मैं पीटूं, है? नहीं ना, नहीं आता ना किसी को, शुरू करूं मैं, 2π बाय ओमेगा, बचा लिया इसको, शुक्रिया बोलना इनको, ठीक है, सबको बचा लिया इसने, लेकिन इसने ऐसा चाल ऐसी बद्दुआ दी लाइट ही चली गई, अरे वाह, सेटिंग है तुम लोगों के। चलो मुझे और अच्छे से टाइम मिल गया पूछने के लिए, है शुरू किया जाए मैराथन, चलो आगे शुरू हो जाओ, स्टैंड अप, कैपिटल जी की वैल्यू 6.6। चलिए क्या बोल रहा था मैं, पीरियड क्या हो गया 2π बाय ओमेगा, और हमने क्या बोला दोनों का ओमेगा सेम है, तो दोनों का ओमेगा सेम है तो दोनों का टाइम पीरियड भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अर्थ का टाइम पीरियड क्या होता है, अर्थ का टाइम पीरियड क्या होता है, 24 आवर्स, तो इसका भी कितना होना चाहिए 24 आवर्स, मतलब अर्थ
एक दिन में यानी 24 आवर में एक चक्कर पूरा करता है, तो उस सैटेलाइट को भी क्या करना चाहिए, 24 आवर्स में एक चक्कर पूरा कर लेना चाहिए। अगला पॉइंट है ना, सेकंड पॉइंट लिखो, सेकंड स्टार मार्क इधर चालू है ना, इधर चालू किया ना। टाइम पीरियड ऑफ, अच्छा ठीक, ठीक है। हाँ, सेकेंड पॉइंट लिखिए, टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट अराउंड द अर्थ शुड बी same as the rotation of earth on its axis, that is 24 hours, understood, that is 24 hours, यानी एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगना चाहिए, 24 आवर्स। अब एक चीज बताओ, अभी हमने यहां पर टाइम पीरियड का फॉर्मूला निकाला था, कितना निकाला था बेटा, 2π√r³/gm है ना, निकाला था ना, बोलो। अब बेटे आर क्यूब, यस, दोनों साइड स्क्वायरिंग करता हूं, t का स्क्वायर 4π²r³/gM है ना, तो आर क्यूब बराबर क्या हो जाएगा बेटे, टी स्क्वायर जी कैपिटल एम अपॉन 4π² ऐसा हो जाएगा क्या, अच्छे से समझ आ रहा है आपको। अब बेटे क्या मुझे कैपिटल टी की वैल्यू पता चल चुका है ना, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के लिए कि कितना रखना है भाई, 24 आवर्स होने ही चाहिए, तो आर क्यूब बराबर ये हो गया आपका 24 आवर्स है ना, एक आवर में 60 मिनट, एक मिनट में 60 सेकेंड है ना, इसका क्यूब कैपिटल जी बेटा 6.67 इंटू 10^-11, कैपिटल एम किसका है बेटा, अर्थ का, कितना होता है 6.4 इंटू 10^-24 है ना, यही है ना कि 6 × 10^24 ऐसा ही कुछ है, 6 ओनली ना, हाँ 6 × 10^24 अपॉन 4 और पाई स्क्वायर, तो ये सारी चीजें क्या है, कांस्टेंट है, इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, आई ना बात समझ में, और ये क्या चीज आया बेटा, आर क्यूब आया है ना, तो इसको क्या करना पड़ेगा, क्यूबिक रूट करना पड़ेगा इसका, आर बराबर आया कि नहीं समझ में, इस स्मॉल आर, ये स्मॉल आर क्या था बताओ तो जरा, आर प्लस एच था है ना, तो आर प्लस हाँ स्क्वायर होगा, ठीक है, आ रही बात समझ में, तो ये R बराबर क्या था बेटा, R प्लस एच था, ये सारी चीजें अगर आप कैलकुलेट करोगे ना तो इट विल कम टू बी 42,400 किलोमीटर, कितना बेटा 42,400 किलोमीटर, सारी वैल्यूज रखेंगे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 42,400 किलोमीटर, तो ये जो R प्लस एच है बेटा वो कहां से है, सेंटर से, किसके, अर्थ के सेंटर से, तो अगर मैं अर्थ के सेंटर से उस सैटेलाइट की हाइट निकालना चाहूं जिसको जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में होना चाहिए, उसके लिए हाइट कंपल्सरीली कितना होना चाहिए, 42,400 किलोमीटर होना चाहिए, कहां से,
सेंटर ऑफ द अर्थ से, लेकिन अक्सर हम डिस्टेंस कहां से, हाइट कहां से मापेंगे, सरफेस से। तो सरफेस से अगर देखना हो तो फिर क्या निकालना होगा बेटा, एच ओनली, है ना। तो एच बराबर क्या होगा बेटा, ये माइनस हो जाएगा 42,400 माइनस आर कितना है बेटा 6,400 किलोमीटर, है ना। बताओ कितना बचा बेटा, 36,000 किलोमीटर। नहीं समझा, अरे बोलो बेटा। तो दैट मींस कि अगर किसी को जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होना है, यानी उसको अगर जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में घूमना है, तो उसको कितने हाइट पर भेजना पड़ेगा, हमें 36,000 किलोमीटर की हाइट पर होनी चाहिए फ्रॉम दी अर्थ सरफेस। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, कहां से पूछ रहा है, फ्रॉम दी सेंटर ऑफ अर्थ पूछ रहा है, तो योर आंसर शुड बी 42,400। और अगर सरफेस से पूछ रहा है तो योर आंसर शुड बी 36,000 किलोमीटर। ठीक है, तो जो अगला पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो स्टार मार्क दे करके। नेक्स्ट पॉइंट, द हाइट ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, द हाइट ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट शुड बी 36,000 किलोमीटर, 36,000 किलोमीटर फ्रॉम अर्थ सरफेस, फ्रॉम अर्थ सरफेस। समझ गए बेटे, 36,000 किलोमीटर फ्रॉम अर्थ सरफेस। अच्छे से समझा। अब ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का यूज क्या होता है बेटा, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का यूज क्या होता है, तो देखो जैसे कि ये हमारा अर्थ है, है ना, ये हमारा अर्थ है, ये इसका इक्वेटोरियल एक्सिस हुआ बेटा ऐसा, है ना, इसके ऐसा ऐसा क्या होता है, इस ऑर्बिट में आपका जियो स्टेशनरी सैटेलाइट घूमता है, आपका अर्थ भी घूम रहा है। अच्छा, अर्थ किधर से किधर घूमता है बेटा, वेस्ट टू ईस्ट, तो इसको भी कैसा घूमना चाहिए, वेस्ट टू ईस्ट। ये एक और पॉइंट लिख लो, एक और पॉइंट लिख लो, द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ दिस सैटेलाइट, द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ दिस सैटेलाइट should be same as rotation of earth, that is from west to east। understood na, bolo bhai। theek hai, to yahan se planet kya, ye satellite is tarike se kya ho raha hai, ghum raha hai, hai na beta। to क्योंकि यहां से देखने पर आपको क्या नजर आ रहा है, ये स्टेशनरी है ना, यहां से आपको आप देखोगे तो ये आपके लिए क्या है, स्टेशनरी है, मतलब आपके लिए ये क्या है बेटा, फिक्स है ना, आ रही बात समझ में। तो अगर आपके सामने मान लो मैंने ये रखा होता, क्या बोलते हैं, ग्लोब रखा होता, ग्लोब रखा होता, तो और मैं आपको इधर से देखने बोलता, तो आप क्या होता भाई, एक एक पोर्शन को आप देख सकते हो, कंप्लीट पोर्शन नहीं देख सकते ना, है ना, सारी बात समझ में, क्लियर है। तो यहां से मान लो मैंने एक बहुत बड़ा गोला है, अर्थ हमारा बहुत बड़ा गोला है ना, और इधर एक सैटेलाइट है, सैटेलाइट समझ लो क्या कर रहा है, टॉर्च मार रहा है, तो वो एक पोर्शन को क्या कर पाएगा, लाइटेड कर पाएगा, सारी बात समझ में, एक पोर्शन को कवर कर पाएगा। अगर मैं कंप्लीट अर्थ को क्या करना चाहता हूं, कवर करना चाहता हूं, तो एटलीस्ट क्योंकि इधर वाला एक पोर्शन को देख पाएगा, दूसरे पोर्शन को देखने के लिए इधर से कम आपको 3 सैटेलाइट की जरूरत पड़ेगी, क्या करने के लिए, अर्थ को कंप्लीट देखने के लिए। नहीं समझ आ रहा है ना, अच्छे से समझा। तो अगर कम से अगर अर्थ को कंप्लीटली सराउंड करना है, कंप्लीट उसका पिक्चर हमें दिख पाए, तो ऐसे ऐसा करने के लिए कम से कम कितने जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की जरूरत पड़ेगी, 3। कितने, 3। एक कितने को कवर करता है, 120 डिग्री को कवर करता है, तो कितने, 360 डिग्री, तो कम से कम 3 की जरूरत पड़ेगी। आ गई बात समझ में, के लिए एक और स्टार मार्क लगाओ। एटलीस्ट 3 जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इज नीडेड, एटलीस्ट 3 जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इज नीडेड
टू कंप्लीटली विजुअलाइज द अर्थ, कंप्लीटली विजुअलाइज द अर्थ। जितने भी कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स होते हैं, कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स में क्या क्या आ जाता है बेटा, आप फोन यूज करते हो, मोबाइल यूज करते हो, नेट यूज करते हो, टीवी देखते हो, ये सारी चीजें है ना, किससे किससे होता है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स की वजह से। एक सैटेलाइट होती है, ठीक है बेटा, यहाँ पर है ना 36,000 किलोमीटर की हाइट पर क्या है, एक सैटेलाइट है ना। हम क्या करते हैं, हमारा मान लो मेरा चैनल है, कौन सा वाला, तारक मेहता का उल्टा चश्मा वाला, देखते हो तुम लोग, हाँ तारक मेहता का उल्टा चश्मा वाला मेरे पास चैनल है, यानी सोनी सब टीवी ना, सब टीवी पे आता है ना। तो वो क्या करता है, अपने स्टूडियो से सिग्नल को भेजता है, ठीक बेटा। तो वो सिग्नल क्या होता है, जाता है उसकी सैटेलाइट से टकराता है, और टकरा करके फिर क्या होता है, उस पूरे पोर्शन पे जाता है, नहीं समझा, टकरा के आया और ये पूरा पोर्शन जितना कवर कर पाएगा, उस पोर्शन में जितने घर हैं सबके यहाँ वो चैनल पहुंच जाएगा। आगे बात समझ में, क्लियर है मेरी बात। तो इसी प्रकार से आपका मोबाइल कम्युनिकेशन है, टीवी ट्रांसमिशन है, ये सारी चीजों के लिए आपको किसकी जरूरत होती है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स की जरूरत पड़ती है। अंडरस्टूड, ठीक है ना। अगर एक ही लगाऊंगा तो इसके इस तरफ वाले में सिग्नल नहीं पहुंच पाएगा, है ना बेटे। तो ऐसा करने के लिए हमको कम से कम 3 सैटेलाइट्स की जरूरत पड़ती। तो व्हाट इज द एप्लीकेशन और यूज ऑफ कम्युनिकेशन जियो स्टेशनरी सैटेलाइट एज कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स, ठीक है। अगला स्टार मार्क लगाओ। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इज मेनली यूज्ड एज कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स, mainly used as communication satellite. ओके, यहां तक की बातें अच्छे से समझ में आई। तो ये रही कहानी बेटा जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की। मैंने बोला दो होते हैं, एक मैंने बता दिया, दूसरा जो होता है वो कहलाता है पोलर सैटेलाइट। गिव द हेडिंग पोलर सैटेलाइट। देखो ग्लोब इमेजिन करो, ठीक है, ग्लोब इमेजिन करो। तो ग्लोब का इक्वेटर क्या हुआ बेटा, उसका ऐसा, उसमें क्या घूमता था, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट घूमता था, है ना। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट ऐसे घूमता, समझ गए। अब ये अगर हमारा अर्थ है तो ये क्या कहलाता है बेटा, नॉर्थ पोल, और ये क्या कहलाता है, साउथ पोल कहलाता है। आगे बात समझ में, हमारा जो ये है ग्लोब है, थोड़ा सा क्या है, टिल्टेड है ना बेटा, थोड़ा सा क्या है, टिल्टेड है इस तरीके से अर्थ जो है ना। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल, अंडरस्टूड। अगर कोई ये जो है क्या बोलते हैं सैटेलाइट इस तरीके से घूमता है अराउंड द पोलर ऑर्बिट, नहीं समझा, इस तरीके से है ना, ये वाला कैसे घूम रहा था, ऐसे जियो स्टेशनरी, और ये कैसे घूम रहा है, आ रही बात समझ में, नहीं। तो अगर कोई सैटेलाइट पोलर ऑर्बिट में घूमता है, यानी नॉर्थ साउथ, नॉर्थ पोल से साउथ पोल, नॉर्थ पोल से साउथ पोल, ऐसा, ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे, पोलर सैटेलाइट कहेंगे। अच्छे से समझाना, ठीक है, लिखो। इफ अ सैटेलाइट रिवॉल्व इन अ पोलर ऑर्बिट, रिवॉल्व इन अ पोलर ऑर्बिट, दे आर कॉल्ड पोलर सैटेलाइट्स, दे आर कॉल्ड पोलर सैटेलाइट्स, दे आर कॉल्ड पोलर सैटेलाइट्स। आपने फिर वापस से, आप न्यूज तो सुनते नहीं होगे, है ना, अगर न्यूज कभी सुने होते तो आप सुनते हो कि जो है कल भारत ने फलाना सैटेलाइट भेजा, उसको
ये वाला सैटेलाइट GSLV था, ये वाला सैटेलाइट PSLV था, है ना। तो GSLV एंड PSLV है ना, हमारा क्या है, रॉकेट है, लॉन्चर है ना। जियो स्टेशनरी, GSLV का नाम होता है जियो स्टेशनरी लॉन्च व्हीकल, एंड PSLV क्या हुआ, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, समझ गए क्या। तो अगर जियो स्टेशनरी में भेजना है तो GSLV वाला यूज़ करते हैं, पोलर वाले को भेजना है तो PSLV यूज़ करते हैं, ठीक है। न्यूज़ सुनना चाहिए, है ना, न्यूज़ सुनना चाहिए, क्लियर है मेरी बात। तो ये हो गया आपका पोलर सैटेलाइट, इसमें बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, बस आपको इतना याद रखना है पोलर सैटेलाइट पोल्स के अराउंड, मतलब है ना, पोलर ऑर्बिट में घूमता है। प्लस अब ऑब्वियस सी बात है, ये मान लो अर्थ है ना, ये मान लो मेरी मुंडी को अर्थ मान लो, ठीक है। तो ये सैटेलाइट कैसे घूमता है, इस तरीके से, है ना, इस तरीके से घूमता है, और साथ में क्या है, अर्थ खुद भी घूमता है, नहीं समझा। तो ये जो सैटेलाइट है ना, ये सैटेलाइट ऐसे ऐसे घूम रहा है और मैं भी साथ में घूम रहा हूँ, ठीक है। तो क्या होगा भाई, एक चक्कर जब लगाएगा तो ऐसा एक जगह का फोटो आ जाएगा, जब ये दोबारा घूमेगा तो दूसरा फेस घूम के आ चुका होगा, नहीं। तो इस तरीके से क्या होगा बेटा, दिन भर में उसको पूरे अर्थ का हालचाल मिलता रहेगा, नहीं। तो जनरली जो पोलर सैटेलाइट्स है वो 2 घंटे में एक राउंड पूरा कर लेता है। तो 2 घंटे में एक राउंड पूरा कर लेता है, तो भाई एक जगह का फोटो हमको दिन भर में 12 बार मिलेगा कि नहीं, घूम रहा है ये ऐसा, है ना। तो हर समय हमें पूरा अर्थ का हलचल जो भी है वो दिखता रहेगा, दिखेगा कि नहीं। तो जो पोलर सैटेलाइट्स होता है उसको जनरली हम लोग यूज करते हैं वेदर फोरकास्ट में, बोलते हैं ये फलाने जगह में उच्च दाब वाला क्षेत्र बन गया है, हाई प्रेशर एरिया बन गया है, लो प्रेशर एरिया बन गया, उधर आज बारिश होगी, उधर गरज के साथ छींटे पड़ेगी, ऐसा ऐसा न्यूज़ पढ़ते हैं, सुनते हैं ऐसा, ठीक है। वो सब कैसे पता चलता है, पोलर सैटेलाइट्स, समझ गए। प्लस क्या बोलते हैं, जासूसी करने के लिए, है ना, स्पाइंग के लिए जो हम लोग सैटेलाइट यूज करते हैं वो भी पोलर सैटेलाइट्स होते हैं। प्लस अपन क्या करते हैं भाई, मैप तैयार करते हैं, मैप, है ना, हर एक देश का मैप होता है, वर्ल्ड का मैप होता है, फॉरेस्ट का मैप होता है, अलग अलग तरह के मैप होते हैं। तो मैप बनाने में भी, मैपिंग में भी क्या करते हैं हम लोग, पोलर सैटेलाइट्स को यूज़ करते हैं। क्यों, क्योंकि वो फोटो खींच खींच के भेजता रहता है आपके पास हर समय, है ना। फिर वो क्या बोलते हैं, GPS, है ना, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम GPS, उसमें भी आपका पोलर सैटेलाइट्स का यूज़ होता है। आ गई क्या बात समझ में, ठीक है। तो एक होमवर्क रहा आपके पास, क्या लिखने के लिए, एप्लीकेशन ऑफ पोलर सैटेलाइट्स, अच्छे से ढूंढ के ऐसा लिख के लाना है, होमवर्क करके लिख लो, यूजेज ऑफ पोलर सैटेलाइट्स। तो भाई इसी के साथ चैप्टर संपला, मेरा काम खत्म, आपका काम चालू, चैप्टर फिनिश करो आज से लेकर के कल तक में, कल पूरे दिन मेरा डंडा चलेगा, मैं पूछूंगा, आपको बताना है, 12 दिन मैंने बोले, 11 दिन हो गए ना, 11 दिन मैंने बोले, कल आपको बोलना है, पढ़ के आना है, चैप्टर फिनिश करके आओ, ओके। चलो शुरुआत कर दो, शुरू कर दो, स्टार्ट हो जाओ। चलो अभी 20 मिनट है, चैप्टर ख़त्म हुआ,
टॉपिक इज लेफ्ट, वेटलेसनेस, वेटलेसनेस इन अ सैटेलाइट, ऐसा करके हेडिंग डालो, वेटलेसनेस इन अ सैटेलाइट, वेटलेसनेस इन अ सैटेलाइट। Weightlessness in a satellite. Okay, weightlessness in a satellite. See, अगर मान लो ये हमारा अर्थ है और यहां पर एक सैटेलाइट है, ओके बेटे, तो ये मान लो स्मॉल आर इसके बीच की डिस्टेंस है, ठीक है। अगर इसके अंदर कोई चीज है, बॉडी है, ठीक, आ रही बात समझ में, तो क्या होगा, इस बॉडी के ऊपर ये जो सरफेस है ना, वो क्या करेगा बेटा, नॉर्मल लगाएगा एन, है ना, लगेगा कि नहीं, और इस तरफ क्या लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, कितना, कैपिटल जी, कैपिटल एम, स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वेयर लगेगा, करना बेटा, आ रही बात समझ में। और पता है कि कोई भी चीज जो सर्कुलर मोशन कर रहा होता है ना, कोई भी चीज जो सर्कुलर मोशन कर रहा होता है उसके ऊपर क्या लगता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लगता है या सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है, लगता है ना। तो एक इस तरफ क्या होगा बेटा, एक्सेलरेशन होगा। तो देखो, तो दो फोर्सेस, एक जीएम बाय आर स्क्वायर और एक नॉर्मल, है ना। तो बताओ इन नेट फोर्स का मतलब, फोर्स इक्वेशन लिखो, क्या होगा, जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय आर स्क्वायर माइनस नॉर्मल इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, मास इनटू एक्सेलरेशन। नहीं समझा, क्लियर है मेरी बात। तो ये जो सैटेलाइट है, पूरा सैटेलाइट को देखो सिर्फ, है ना, जो सैटेलाइट है ना बेटे, तो वो एक्सेलरेटेड है कि नहीं है, उसमें एक्सेलरेशन है या नहीं है, वो भी तो सर्कुलर मोशन कर रहा है ना, वो भी सर्कुलर मोशन कर रहा है, ऑब्वियसली उसमें क्या है ना, तो वही वाला एक्सेलरेशन इसके पास होना चाहिए, क्लियर है मेरी बात। तो m इनटू, और इसमें एक्सेलरेशन कौन सा वाला होगा बेटा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कितना होता है, जी एम बाय आर स्क्वायर, है ना, तो m इनटू जी एम बाय आर स्क्वायर ऐसा हो जाएगा। तो देखो ये वाला चीज और ये वाला चीज सेम हो गया क्या, n बराबर क्या हो गया बेटा, जीरो, है ना, n बराबर क्या हो गया, जीरो, आई बात समझ में। याद करो जब मैंने आपको लिफ्ट वाला केस पढ़ाया था तो मैंने क्या बोला था, अपेरेंट वेट क्या होता है बेटा, जो नॉर्मल आपके ऊपर लगता है वही क्या होता है, अपेरेंट वेट होता है, होता है कि नहीं, नॉर्मल जो लगता है आपके ऊपर वही अपेरेंट वेट होता है, वही वेट आप महसूस करते हो। तो देखो यहां पर नॉर्मल ही नहीं लग रहा उसके ऊपर, लग रहा है क्या, तो नॉर्मल ही नहीं लग रहा है तो वो क्या महसूस करेगा, वेट ही नहीं महसूस होगा उसको, है ना, तो इसको कहते हैं वेटलेसनेस, ठीक है, ओके, आगे बात समझ में। तो किसी को अगर अपना वजन बढ़ा हुआ लग रहा है तो मस्त चले जाने का, कहाँ पे, सैटेलाइट में, एकदम मस्त हल्का हल्का महसूस होगा, अंडरस्टूड। और एक छोटी सी बात, और एक छोटी सी बात, हमारे प्लानेट पर अगर हम जी देखेंगे, जी ऑन अर्थ क्या था बेटा, जी मास ऑफ अर्थ अपॉन आर रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। अगर मैं मून पे चले जाऊंगा, मून पर, तो जी मास किसका लेना पड़ेगा बेटा, मून का, और रेडियस किसका लेना पड़ेगा, मून का। जब आप इनको कंपेयर करोगे ना बेटा, जब आप इसको कंपेयर करोगे तो जी ऑन मून जो होता है वो 1/6 टाइम्स जी ऑन अर्थ होता है, ठीक है, तो याद रखना बेटा, मून पर जो जी होता है वो 1/6 टाइम्स जी ऑन अर्थ होता है। आगे बात समझ में,
तो अगर मैं दोनों साइड m से मल्टीप्लाई कर दूं तो मास ऑन मास इनटू gm 1 बाई सिक्स एम इंटू जी, तो ये क्या हो गया बेटा, वेट ऑन अर्थ बाई सिक्स इक्वल्स टू वेट ऑन मून। तो सिमिलरली मून पर वेट आपका क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ का 1/6, है ना। आगे बात समझ में, तो अगेन किसी को लगता है कि उसका वजन ज़्यादा है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, है ना, टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं, आपकी कोई गलती नहीं है, बस आप गलत प्लानेट पे आ गए हो, आपको मून पे होना चाहिए, ठीक है। स्ट्रेटजी होता है अपनाना है आपको, ठीक।